राधा स्वामी सत्संग व्यास ने जरूरतमंदों और गरीबों को खाने पीने व रुकने का प्रबंध किया जा रहा। क्या राहत कार्य का प्रयास कर रहे हैं आप सब यहाँ पर? यहाँ पर डीएम एडीएम से मिलकर हमने राहत कार्य शुरू करा है, जिसमें हम पैक लंच मुहैया करा रहे हैं, थोड़ी सब्जी वाला, और यहाँ के आने जाने वालों को भी हम ये चीज उपलब्ध करा रहे हैं। क्या आपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है? हाँ जी हाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। जो भी यहाँ राहत कार्य में सेवा में सेवादार लगे हुए हैं, वो सब मास्क, कैप और ग्लव्स पहन के ही काम कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही उनको लगाया गया है काम। क्या ये देखा जा सकता है अंदर चल के? जी हाँ बिल्कुल आइए। राधा स्वामी सत्संग व्यास बरेली सत्संग घर, जो की ग्राम करमपुर चौधरी नैनीताल रोड हवाई अड्डा गेट के पास स्थित है, वहाँ दी एम वे डी एम से व्यक्तिगत मीटिंग अनुमति लेकर सेवा कार्य चल रहा है। सेवा में किसी भी असहाय को खाने पीने व रुकने का प्रबंध किया जा रहा है व पूरी सब्जी के पैक लंच तैयार कर प्रशासन को दिए जा रहे हैं, जो कि आगे जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे हैं। थाना प्रेम नगर बारादरी व इज्जतनगर से संपर्क अनुसार डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास ने इस महामारी में प्रधानमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का सहयोग दान किया है व पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सरकार को भी 1 करोड़ रुपए का सहयोग दान किया है। जिला बरेली में सेवादारों द्वारा भोजन व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मीरगंज, हरेली, अलीपुर, बहेड़ी सत्संग घरों पर भोजन व राहगीरों के रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रबंधक कपिल छाबड़ा, राजेश नेहलानी व अन्य सेवादार सहयोग में शामिल रहे। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।